3, 2, 1. Hey guys, welcome back to my channel. आज है सैटरडे और डेट क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आप देख लेना. आज बेसिकली एक बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है. तो सबसे पहले श्रावण महीने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ लेने के लिए जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है. तो बने रहिए मेरे साथ. बहुत ह्यूमिड है, आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी एंड सनस्क्रीन लेकिन मैंने लगा लिया है. तो लेट्स गो. हो गई है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉपिंग और अभी बाहर से सिर्फ डोसा खाने के लिए आ गए हैं, पेप्सी और स्वीट लाइम सोडा. और अभी डोसा खाएंगे. बाय. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो मैं अब आ चुकी हूँ. प्रे अभी हो गया, इवनिंग का सब हो गया. हाथ स्विमिंग मिस हो गया है. और एक और अपडेट देना है आपको, वो ये है कि अभी मैं जा रही हूँ अपने मॉम एंड डैड के पास. तो हमने क्या क्या ख़रीदा है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी. फ़िलहाल मैंने क्या पहना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट शॉपिंग का जो मैंने हॉल आपके साथ शेयर किया था उसमें से एक है. आई एम वेयरिंग माई थ्रिफ्टेड ब्लाउज ऑन फ्रॉम सनफ्लावर लव थ्रिफ्ट. सो लेट मी शो इट टू यू, एक सेकेंड. फिर से आ गई. शूट कर रही थी मैं कुछ और ऑलरेडी और वो था किसी और वीडियो के लिए. और आज है 9th of July और सबसे पहले फिर से श्रावण की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. तो मैंने आपको कहा था कि मैं जा रही हूँ श्रावण से रिलेटेड कुछ लेने के लिए और धीरे धीरे करते ही अपना घर बसता है, राइट. तो फाइनली मेरा टाइम आ गया जहाँ पे मुझे मेरे पास मेरे घर में दिवाली पूजन के बाद लक्ष्मी व्रत कथा जो मेरी पहली पुस्तक थी जो मैंने अपनी शादी के बाद पहली चीज़ ली थी रिलीजियस स्क्रिप्ट के तौर पे. तो दूसरी जो आई है जो जिसका आशीष मुझे मिला है वो है कि शिव महापुराण. तो अगर आप देखेंगे इसकी लिपि गुजराती में है. तो मैं आपको आज एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ. जब मैं छोटी थी बहुत छोटी थी तब से मैं करते आई हूँ श्रावण के 16 सोमवार के व्रत. तब मुझे पता भी नहीं था कि 16 सोमवार होता क्यों है, क्या होता है. बस मुझे इतना पता था कि शिव जी की पूजा करनी होती है, फास्टिंग करना होता है. तो ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने एक्सपीरियंस की है बचपन से. और वो सोमवार की कथा मेरी दादी हमें सुनाती थी. तो ये मेरी दादी के पास ये इसकी सिर्फ शिव पुराण की पुस्तक थी, ये शिव महापुराण है. मे बी इसमें कुछ और एडिशनल हो. इसको ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी समय लग गया है क्योंकि ये मैं ऑनलाइन नहीं खरीदी है, ये मैंने कहीं से ढूंढ के निकाली है. तो फाइनली मुझे ये मिल गया. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ये मतलब आई कॉन्ट टेल यू, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस चीज़ को लेके कि ये मेरे घर में अभी शिव महापुराण की पुस्तक है. और भाई मैं तो बहुत खुश हो गई. फिर उसी जिस शॉप से मैंने लिया है मैं उसकी यहाँ पे इंसर्ट डाल दूँगी आपको देखने के लिए. फिर वहाँ से मैंने एक लिया है ये धूप स्टिक, क्योंकि इस बार मुझे डीमार्ट में धूप स्टिक नहीं मिला था. भस्म, शहद और काले तिल और ये दूसरी विभूति भस्म, ये तीन चार चीज़ें और अबीर, ये कुछ चीज़ें ली हैं मैंने अपने सोमवार की पूजा के लिए. और फिर मैं गई थी गिरी शॉप में. वहाँ पे मुझे एक्चुअली देना था भारत के शिवलिंग देखने थे मुझे, पर मुझे वो वहाँ पे भी नहीं मिला. पर वो शॉप बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, मैं 100% रिकमेंड करती हूँ कि गिरी शॉप में आप ज़रूर जाइए. मैं उसके इंसर्ट डाल दूँगी. वहाँ से मैंने लिया है ये पात्र और ये धूप स्टिक चंदन के और एक बड़े वाले लंबे वाले धूप स्टिक लक्ष्मी देवी गूगल के. और वहाँ से मैंने लिया है विभूति का पेस्ट जो हम अपने सिर पे लगाते हैं. बस यही लिया था.
आई वॉन्टेड टू शेयर दिस, मतलब आई जस्ट वॉन्टेड इवन यू टू फील द सेम वाइब्रेशन दैट आई एम फीलिंग. इट्स ऑल न्यू राइट, ये मेरा घर बस रहा है तो मेरे घर में ये सारी पुस्तक आना, ये मेरे लिए कहते ना कि इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग फॉर मी. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट दिस एंड टच वुड आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई हस्बैंड इन माई लाइफ हु इज माई बिगेस्ट ब्लेसिंग सीरियसली. सो थैंक यू लवली, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डू फॉर मी एंड ओके. सो दैट्स इट गाइज, आई नीडेड टू गिव अ मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन राइट, आई डिड इवन इफ यू डोंट थिंक सो दैट ओके. तो बस यही दिया था हमने, हो गई जोरदार शुरुआत श्रावण महीने की. इसमें से ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया है मैंने तो देखते हैं बस यही. अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, नहीं भी अच्छा लगा हो ना गाइस, सिर्फ वो एक श्रद्धा के लिए, एक वो बिलीफ के लिए, वो मे बी शो मी अ मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन जस्ट फॉर एवरीथिंग दैट आई एम एबल टू डू और वट एवर इज कमिंग माई वे दैट द यूनिवर्स इज सेंडिंग इट टू मी दैट आई एम एबल टू डू, आई एम एबल टू फॉलो माई पाथ एंड माई हस्बैंड इज हेल्पिंग मी फॉलो माई पाथ. सो दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी. सो प्लीज डू लाइक, वन शेयर, वन कॉमेंट, वन सब्सक्राइब, अ मिनिमम ऑफ इट गाइस. So that's it. See you, bye. Take care. Milenge hum aapse next vlog mein. Hey guys, welcome back to my channel. सबसे पहले ये देख लो, she's full white, very beautiful. Hi, hi Billy. Hi. See, she loves to rub again. So, शाम के look at her, she's literally just prowling around. Now comes the so अभी मैं जा रही हूँ एक छोटे राउंड के लिए. इट्स संडे नाइट एंड आई एम जस्ट प्लानिंग अ लिटिल बिट कि थोड़ा सा पार्क घूमें मैं और हस्बैंड, बस यही. छुट्टी वाले दिन पूरे यूटिलाइज नहीं हो पाते तो लेट्स गो. हाँ चलो, आगे का शूट नहीं कर पाई लाइक ऑलवेज. मैं पूरा मड जस्ट ऐसे ही हम लोग ने ड्राइव किया, रास्ते ख़राब थे, शूट नहीं हो पा रहा था, इनफैक्ट पानी भरा हुआ था तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था. बस ये ब्लॉग इसको इतना ही रखती हूँ, है ना, इतना ही शॉर्ट रखती हूँ, ये बेटर रहेगा शायद, फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो. तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए. प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हैप्पीनेस एंड यू कैन सर्च इट एज हैप्पीनेस 4 ऑन यूट्यूब. Thank you. Bye. You know just what you do to me. Play my emotions like a parrot.